नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। क्या आपको भी अनजाना डर सताता रहता है? किसी को अंधेरे से डर, तो किसी को सुनसान से डर, किसी को शत्रुओं का डर, यहाँ तक कि कई लोग अकेले रहने या डर में या अकेले चलने में डरते हैं। दरअसल डर का संबंध शारीरिक या भावनात्मक खतरे से होता है। सामान्यतः किसी का सामना न करने की क्षमता न होने से शारीरिक डर तो किसी के व्यवहार से भी शारीरिक डर होता है। वहीं भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण भावनात्मक डर भी हो सकता है, या जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई हो कि डर समा गया हो। आत्मबल की कमी, आत्मविश्वास की कमी के कारण भी डर समा जाता है। ऐसे में यदि आपका दिल कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, साथ ही आपको बुरे सपने भी आते हैं, तो ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में माना जाता है कि इन्हें करने से मन का डर दूर होता है। दरअसल ज्योतिष जानकारों के अनुसार मंगल को साहस, ताकत, लड़ने की क्षमता, निडरता आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में जब मंगल पर बहुत बुरा प्रभाव होता है या मंगल कुंडली में बहुत कमजोर होता है, तो ऐसे लोग डरपोक हो जाते हैं। वहीं आप पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करें, ईश्वर का सहारा लें, तो आपका डर दूर हो सकता है। डर को भगाने के कुछ खास मंत्र भी हैं और इनके जाप से इस भय पर विजय पाई जा सकती है। जैसे हनुमान जी का हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अलग अलग तरह से डर पर विजय पाना अपने आत्मबल को बढ़ाने से और मंत्रों के जाप से हो सकता है। मंगल के इष्ट देव हनुमान जी हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करे तो उसका मंगल मजबूत हो जाता है। हनुमान मंत्र से इन भयनाशक मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति डर से बच सकता है। मंत्र का जाप करते समय आपके सामने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लाभदायक होता है। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते रहें। और मंत्र है ओम एम हिम हनुमते रामदूताय नमः। इसके साथ ही आप श्रीमद् भगवद गीता के गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र को दिन में एक बार सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद के उस महान मंत्र जिसमें नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है, उसके जाप से यानी प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा मंत्र है माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा की स्तुति से आपका भय जाता रहता है। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नाम्यहम। मन का डर दूर करने के लिए दिमाग में गहरे बैठे डर को दूर करने के लिए ओम गता भयाय नमः, ओम गता भयाय नमः भगवान गणेश को समर्पित इस मंत्र को लेकर ये मान्यता है कि अतीत के डर को दूर करने के साथ ही भविष्य की आने वाली किसी भी भयभीत करने वाली घटना से जब व्यक्ति डरने लगे तो इस वैदिक मंत्र का दिन में कम से कम एक बार जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र का जाप का असर जल्दी ही दिखने लगता है। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। इसको आप ऑडियो भी चला सकते हैं, बार बार उसको सुन सकते हैं, घर में आपकी चलता रहे। ऐसे ही इसी प्रकार घर में हनुमान चालीसा महामृत्युंजय मंत्र चलाते रहें। गलत कार्यों को करने से बचे और डरने वाली चीज़ों से बचने का प्रयास करें। डर आपके पास नहीं आएगा।
किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अक्सर लोग घबरा जाते हैं, यानी नर्वस हो जाते हैं। उनके अंदर तरह तरह के विचार उमड़ने लगते हैं, नेगेटिव ख्यालों से दिमाग भर जाता है, जैसे क्या मैं ये कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, कहीं कुछ गड़बड़ या गलत न हो जाए, कहीं मैं असफल न हो जाऊं। अक्सर ये होता है कहीं इंटरव्यू देते जाते समय या किसी बड़े को फेस करते समय, स्टेज परफॉर्मेंस, एग्जाम, नई जॉब, इंटरव्यू देने से पहले लोग नर्वस होते हैं, डर जाते हैं। जो लोग दूसरों से कम मिलते जुलते हैं, कम सोशल होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में जब अचानक जाकर कुछ नया करना होता है तो काफ़ी घबरा जाते हैं। अत्यधिक नर्वसनेस आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, इससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी निगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है अपने अंदर मौजूद इस डर घबराहट को दूर करना, ताकि आपको असफलता का मुँह न देखना पड़े। जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई ज़रूरी काम करने जाता है तो नर्वस हो ही जाता है। इस दौरान कुछ लोगों में अधिक पसीना आना, कांपना, लड़खड़ाना, हकलाना, डरना, बहुत अधिक घबराहट जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। परेशान ना हो, आप अनजाने डर से भी घबराते रहते हैं, इसको भी आप दूर कर सकते हैं। यदि आप किसी जॉब या इंटरव्यू या परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, बेहद घबराए हैं, तो शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। घबराहट को दूर करने के लिए ये बेस्ट और इजी उपाय है। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, इससे दिमाग शांत होगा। सांस लेने से एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन कम होते हैं। ये दोनों हार्मोन जब रिलीज होते हैं तब आप अधिक घबराहट महसूस करते हैं। स्ट्रेस फोबिया आदि दूर करने के लिए जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को शांत करती है। कभी भी नकारात्मक ख्याल मन में ना आने दें। जब भी लोग कोई नया काम करने जाते हैं तो मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या मैं स्टेज पर सही परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, वहीं इंटरव्यू या एग्जाम में कुछ गलत ना बोल दूं। इससे उनका दिमाग, उनका आत्मविश्वास और गड़बड़ा जाता है। नेगेटिव ख्याल सभी को आते हैं, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके अंदर इसका मतलब आत्मविश्वास की कमी है। इसे अवॉइड करने का सरल उपाय है कि आप अपने अंदर नेगेटिव बातों को आने ही ना दें। अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि नेगेटिव सोचने से आपकी घबराहट और बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास से हमेशा लबरेज रहें। यदि आप किसी भी काम को लेकर पूरे दिन कॉन्फिडेंट में रहेंगे तो कभी भी घबराहट, नकारात्मक विचार आपके आसपास नहीं फटकेगी। खुद के साथ ही अपने हर काम के प्रति आत्मविश्वास पैदा करें, अपने काम पर फोकस करें, काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं, अपना ड्रेसअप, अपना व्यक्तित्व सुधारें और ये महसूस करें कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आपका डर दूर होगा। जब भी आपको किसी भी परिस्थिति में डर, घबराहट हो तो ये जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है, उसको भी दूर करने की कोशिश करें। लोगों से, अपने परिजनों से, घर वालों से इसको भी समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या कमी है, क्या क्या लगता है आपको मेरे लिए कि मैं सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हर किसी के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई परेशानी जरूर आती है, जिसे दूर करने के लिए लोग तरह तरह के टोटके अपनाते हैं, मगर फिर भी लोग अपने जीवन की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते। इसके लिए यहाँ पर हम विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी का मंत्र बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। सृष्टि स्थित विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विषायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हिनस्ति दैत्य तेजांसी सुनेना पुरी या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाम शिवम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसे जहि।
इन मंत्रों का जाप आप करते हैं अगर, तो निश्चित ही आप अपने भय से दूर हो पाएंगे, आप में भरपूर आत्मविश्वास होगा और आपके सारे काम बनेंगे। करके देखिए। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।